कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नाजमाबाद, लियाकतबाद, फेडरल बी एरिया बफर जोन में बादल बरसे, सदर शराय फैसल आईआई चंद्रगढ़ रोड पर भी बारिश, महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मानसून अपने जोबन पर आ गया, कराची से खुंजराब तक बारिशों के जोरदार स्पेल, कहीं मूसलाधार कहीं हल्की तो कहीं तूफानी बारिश, बादल पहाड़ी मैदानी और सहराई इलाकों में खूब बरसे। पीर के रोज सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, इस्लामाबाद में 57, छोर में 58 और काकुल में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। रावलपिंडी तूफानी बारिश से डूब गया, गलियों में 5-5 फुट से ज्यादा पानी खड़ा रहा, घर जेरे आब आ गए, मोची बाजार राजा बाजार में पानी दुकानों में दाखिल, ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। टेंच भाटा, ढोक कश्मीरिया, ढोक काला खान, शकरियाल, कुरी रोड और खन्ना पुल में गली मोहल्ले तालाब बन गए, कई कई फुट पानी जमा, शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल, मरी रोड पर भी पानी जमा होने से मुश्किल। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए, बिजली की जद में आकर 100 से जायद जानवर भी हलाक हुए। थर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। चीफ जस्टिस को धमकी देना आईन से खुली बगावत है, किसी को इजाजत नहीं कि वो कत्ल के फतवे जारी करे, ऐसे अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ शरंगेज प्रोपोगंडा पर हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान, कहा किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा ने कहा रियासत नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, सजा और जजा का अख्तियार सिर्फ अदालत के पास है, जत्थों को अगर अख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी देने पर नायब अमीर टीएलपी जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार, लाहौर में मुकदमा दर्ज, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, धमकी देने की दफात शामिल, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा भी मुकदमे का हिस्सा। एफआईआर के मुताबिक आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई, मुकदमे में टीएलपी के 1500 कारकुन भी नामजद। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करंसी की रेटिंग बेहतर कर दी, पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच ने कहा IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। शराय सूद में 1% कमी, 19.5% हो गई, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है, बजट इकदाम का महंगाई पर मुकम्मल असर सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहेगी। स्टेट बैंक का हकूमती अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पर तश्वीश का इजहार, कहा निजी शोबे के कर्ज की गुंजाइश कम हो रही है। हुकूमत ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को दुरुस्त माशी पॉलिसी का एतराफ करार दे दिया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मिल रहा है, माशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, चीन का हुकूमत और इदारों ने पांडा बॉन्ड्स की यकीन दहानी कराई है, मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना होगी। गवादर में मुश्तैल हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा, ISPR के मुताबिक हमले में एक सिपाही शहीद, एक अफसर समेत 16 सिपाही जख्मी हो गए। बलोच राजी मुची तहरीक की आड़ में सिक्योरिटी पर तैनाती फोर्सेस पर धावा बोला गया, सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो से घनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल दिलाए जाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सूबे में जत्थों को तशद्दुद की इजाजत नहीं देंगे। शरपसंद अनासिर सी पैक की तरक्की को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। गवादर में जलसे का मकसद अमन नहीं था, इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए, लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे, कत्लोगारत की इजाजत नहीं दे सकते। मखसूस टोला रियासत और आवाम में फासला पैदा करना चाहता है। महारंग बलोच को दावत देता हूँ, आए मुजाकरात करें। हैदराबाद के इलाके कोटरी साइट में पुलिस की कार्रवाई, दो मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, एक फरार, बारूदी मवाद बरामद। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग से पुलिस वैन मुतासर। खारिया में बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जीटी रोड पर शगाव पड़ गया। पिंड दादन खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल, जेलम रोड पर पानी में मुतादित गाड़ियां फंसी रहीं। चकवाल और सोहावा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा। चिन्योट में सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा हो गया, सरकारी दफातर पानी में घिर गए। पिंड दादन खान में पानी में बहने से 40 से जायद बकरियां हलाक। गुजरात में गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी सड़कों से ना निकाला जा सका। अटक और कल्लर कहार में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। डेरा बुगटी में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, बरसाती नालों में तोगयानी, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। हरनाई में भी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सवाबी में भी बादल बरसने के बाद सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। नौशहरा, हरिपुर, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में भी बारिश। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मीरपुर को कोटली और भिम्बर से मिलाने वाली मरकजी सड़क लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 58 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार, पंजाब असेंबली के 29 अरकान को पीटीआई का रुकन डिक्लेयर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध असेंबली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के रुकन असेंबली बन गए। पीटीआई ने मखसूस नशस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जजेस को निशाना बनाया। नून लीग कहती थी ऐसा बेंच ना हो, फलां फलां जज हो, पार्लियामेंट को जजेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुखालफत करेंगे, पार्लियामेंट में जजेस के खिलाफ किसी भी करारदाद की मजम्मत करेंगे। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर फराइज अंजाम दे। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत को बिजली के बिल कम करना होंगे। अवाम से कुर्बानी मांगने वाले हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं, ये मुफ्त सहूलियात खत्म करें तो खजाने में अरबों रुपए जमा होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, कराची, पेशावर, लाहौर और क्वेटा में भी धरना देंगे। बिजली सस्ती होने वाली है, फैसला हो चुका, मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा। मुल्क के 86% घरों के बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कौमी खजाने से 50 अरब रुपए बिजली के महकमे को दे दिए गए हैं। तोशाखाना का नया केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिमांड में 10 रोज की तौसी। अडाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने 8 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नैब ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। रावलपिंडी के इलाके शाले वैली में बारिश का पानी घर में दाखिल होने से जहेज का सामान तबाह, पोर्च में खड़ी गाड़ी भी पानी में डूब गई। नालालई में पानी की सतह बुलंद, कटारिया के बकाम पर पानी की सतह 12 और गवाल मंडी पुल पर 10 फुट तक पहुंची। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाम बहक हो गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई।
हैदराबाद, सांगढ़, कोटरी, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सांगढ़ में नाले उबलने से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बदीन, मातली में भी बादल बरसे। भावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, लैया, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा, मलकवाल, पिंडी भटिया में भी बादल बरसे। हुक्काम की आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा, रियासत के अंदर रियासत बनाने के रवाज की मजम्मत करनी चाहिए। अदम बर्दाश्त ने हमारे मुआशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाले पर रियासत की जीरो टॉलरेंस होगी। वज़ीर इत्तला तता ताड़ बोले, किसी को कत्ल का फतवा देने का अख्तियार नहीं, मुआशरे में नफरत नहीं फैलाने देंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे, शरंगेज अनासर को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाजत नहीं देंगे, अशिया के नर्ख आवाम की पहुँच में होने चाहिए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सप्लाई चेन मैकेनिज्म और अशिया की कीमतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की खाने पीने की अशिया की मुनासिब कीमतें रखने की हिदायत। कहा, डिमांड एंड सप्लाई बेहतर होने से मस्नूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। पख्तूनख्वा में लैंड रिकॉर्ड नवंबर तक कंप्यूटराइज किया जाएगा। तमाम पटवार खाने मुतल्लिका हलकों में मुंतकिल किए जाएंगे। ई डोमिसाइल 2 दिन, ई असलहा लाइसेंस 1 महीने में जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिविल इंतजामिया को गुड गवर्नेंस का 11 नकाती एजेंडा दे दिया। कहा, सरकारी अमूर और केसेस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर निपटाए जाएंगे। सड़कों पर नस्ब खम्बों पर तशहीरी मवाद लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मोहमिन डेरा इस्माइल खान और शमाली वजीरस्तान में ऑपरेशन किए गए। मोहमिन में 3 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। फायरिंग के तबादले में पुलिस कांस्टेबल शहीद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द खुदकुश हमलों समेत तखरीबकारी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अहमदपुर शिरक्या में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटी जाम बहक। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हादसा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। बच्चे समेत फंसे 3 अपराध को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में इजाफा, FIA में रोजाना 31 इंक्वायरियां दर्ज होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 साल में 13,500 शिकायत दर्ज की गयी। ऑनलाइन फ्रॉड की मालियत 20 अरब रुपए से जायद। 1,000 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, 900 से जायद मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने इलाज कराने का हुक्म दिया था, अस्पताल में टेस्ट किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी मुतासर। FP एरिया लियाकतबाद, गार्डन, खारादर में भी बिजली की बंदिश। बल्दिया टाउन, कुरंगी, औरंगी टाउन और मलीर में भी लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, गैर ऐलानिया लोड शेडिंग कहीं भी नहीं की जा रही। ताजरों का 1 अगस्त से महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची में इजलास के बाद कहा, बिजली बिलों की वजह से कारोबार तबाह हो चुके, फुलटन मार्केट से एहतजाज शुरू करेंगे। एक्शन ना हुआ तो अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत मुआशी इमरजेंसी नाफिज करे, हुकूमत से ताजर 2 स्कीम वापस लेने का मुतालबा। नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस और सरबराह नेवी से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी तावुन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर भी गुफ्तगू। एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ्फुज के मौजू पर लेक्चर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ट्रैफिक जुर्मानों से अहलकारों को भी हिस्सा मिलेगा। जुर्मानों से 10% वेलफेयर फंड कायम करने की तरमीम ऐवान में पेश। जुर्माने का 1% गैजेटेड अफसर, 12% टेक्निकल अफसर को दिया जाएगा। ट्रैफिक अमले को 22 और बेहतरीन कारकर्दगी देने वालों को 5% दिया जाएगा।
पीटीए का मोबाइल सिम्स के गैर कानूनी इजरा के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से 15 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लैपटॉप समेत दीगर डिवाइस जब्त, शनाख्ती कार्ड, अफगान पासपोर्ट, पीओआर कार्ड की कॉपियां भी बरामद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। साथ ही कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि इस गली में आप देख सकते हैं कि रेले की शक्ल में पानी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस गली की क्या सूरत हाल है, और शहरियों को काफी कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज की पल पल रिपोर्टिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सवाबी, गुजरात, पिंड दादन खान, डेरा बुकटी समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज बना आवाम की आवाज। नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियां आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने बाकायदा तौसीक कर दी। हलफ बर्दारी तकरीब में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शिरकत करेंगे।